राजस्थान में 14 अगस्त से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। इसके पहले सियासी हलचल भी तेज हो गई है। सोमवार को सचिन पायलट ने दिल्ली में राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। पायलट की कांग्रेस में वापसी का फॉर्मूला तलाशा जा रहा है, लेकिन पार्टी ने साफ किया है कि मुख्यमंत्री पद के बारे में कोई बात नहीं होगी। पायलट अगर लौटना चाहते हैं तो एडजस्टमेंट के लिए कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा। दो तरह के फॉर्मूले पर बात होने की चर्चा है। पहला, सचिन पायलट से कहा गया है कि दिल्ली आकर पार्टी संगठन में कोई जिम्मेदारी संभालेंगे। दूसरा, पायलट गूर से किसी नेता और उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक पायलट कांग्रेस के प्रमुख नेताओं से पहले संपर्क में थे। राहुल से मुलाकात की पहल खुद आलाकमान की ओर से की गई थी। पायलट गुट के सभी विधायक भी लगातार कह रहे हैं कि हमारी नाराजगी पार्टी से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से है। कुछ कांग्रेस नेताओं ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया है कि सचिन पायलट लगातार पार्टी के नेतृत्व के साथ संपर्क में है। पार्टी ने भरोसा दिया है कि राजस्थान में सरकार का संकट सुलझा लिया जाएगा। सुलह होने की 3 बड़ी वजह भी बताई जा रही है। पहली की विधायक खरीद फरोख्त मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG ने फाइनल रिपोर्ट सौंपती है। दूसरी, राजद्रोह का मामला हटने से विधायकों को थोड़ी राहत मिली है। तीसरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायक दल की बैठक में संकेत दिए थे कि आलाकमान का फैसला उन्हें मंजूर होगा। इस बीच भाजपा ने 11 अगस्त को विधायक दल की बैठक बुलाई है। पार्टी गुजरात गए अपने 18 विधायकों को भी वापस बुलाएगी। मंगलवार को शाम 4 बजे जयपुर के होटल क्राउन प्लाजा में विधायक दल की बैठक होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को सभी दलों के विधायकों को एक भावुक चिट्ठी लिखकर कहा था कि आप सरकार गिराने की साजिश का हिस्सा नहीं बने, अंतरात्मा क्या कहती है उसके आधार पर फैसला करें। चिट्ठी जारी करने के कुछ देर बाद ही गहलोत जैसलमेर पहुंचे, वहां उनके अलग ही तेवर देखे। वे कहते हैं कि भाजपा विधायकों में फूट पड़ गई, इसीलिए 3-4 जगह बाड़ेबंदी की जा रही है। भाजपा विधायकों की पोल खुल गई है, विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी, इसीलिए उन्हें बाड़ेबंदी करनी पड़ी। भाजपा के नेता बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन अब वे चार्टर विमानों से विधायकों को भेजकर बाड़ेबंदी कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि राजस्थान की राजनीति में नया क्या मोड़ आता है और ये पूरी जो कहानी रची गई है वो किस मोड़ पर जाकर खत्म होती है। अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको देश और दुनिया की सारी खबर मिलती रहे।